आज ये एक मॉडल है, इसका नाम है लीवर और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उत्तोलक। क्या बोलते हैं? इसमें हमारा यहाँ पे देखो तीन प्रकार का ये है, तो एक पे हमारा थोड़ा सा भार ज्यादा लगेगा है ना, और दूसरे में कम, और इसमें बिल्कुल कम लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ उदाहरण भी समझाया है कि प्रथम श्रेणी में कैंची हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में सीसा, और तृतीय श्रेणी में हाकी और स्टिक। तो प्रथम श्रेणी से पहले समझो कैंची। कैंची कैसे, ये देखो हमारा कैंची, यहाँ से हम पकड़ते हैं ना, और यहाँ से हमारा कपड़ा काटते हैं। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी क्या है? सीसा, जो झूला होता है खेलते हैं, जिसपे हम एक इधर बैठ जाओ और एक इधर, दोनों तरफ ही ऐसे से झूलते हैं हम लोग, ये सीसा हो गया। और तीसरा हमारा हॉकी। हॉकी में हम जब बॉल को ऐसे गोल करते हैं, तो यहाँ से देखोगे यहाँ से हम गोल करते हैं, ये हमारे यहाँ थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से पकड़ते हैं उसको गोल करते हैं ना। ये तीनों श्रेणी है, और इसी तरह इसके बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चिमटा हो गया रोटी बनाने के लिए, जो चिमटा यूज करते हैं है ना, हेड पंप हो गया जो पानी हम निकालते हैं है ना। तो ये हमारा ये वर्क कैसे कर रहा है, पहले यहाँ देखो हमारा वर्क किस तरीके से करेगा। ये हमारा भार है, ये आधार है, और ये प्रयास है ना। यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ यहाँ आधार है, ये देखो आधार है, सारे सारे देखो कि अलग अलग है, यहाँ किनारे पे है, यहाँ बीच पे है, यहाँ इस किनारे पे है ना। तो हमारा यहाँ से प्रयास की ये आधार, और यहाँ से भार। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कपड़े ऐसे कट रही है कैंची मान लो। अब फिर दूसरा देखोगे कि ये हमारा, अब ये आधार कहाँ गया, यहाँ आ गया बीच में, और यहाँ से हमारा प्रयास हो गया, और ये भार हो गया। तो एक भार इधर और एक भार इधर, तो ये क्या हो गया, झूला, जो सीसा के रूप में हम लोग खेलते हैं ना। अब हमारा ये हॉकी हो गया। हॉकी हम कैसे समझेंगे कि अब देखो ये जो आधार है ये किस साइड चला गया, आगे की साइड। अब हमारा और भार हमारा यहाँ है, और इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी बढ़ गई है ना। अब इसमें वजन हमारा कम, मतलब प्रयास हम कम लगाएंगे, और बॉल बहुत आसान, जैसे हॉकी से जब हम खेलते हैं, हॉकी स्टिक है जो, तो बॉल से हम जब यहाँ से मारते हैं तो बहुत आसानी से बॉल आगे की साइड जाती है। जाती है कि नहीं जाती है ना, तो समझ में आया है कैसे वर्क कर रहा है। और इसका बहुत सारा जो उदाहरण है, ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सारे उदाहरण को याद कर लेना। ठीक है, एक बच्चे हमारे इसे ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ समझ में आया किस पे ज्यादा भार पड़ रहा है? इस पे जो हम कैंची के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है।